नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की ये हमारी खबर सैनिकों के संदर्भ में है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि सैनिकों के भत्ते पर लगी रोक। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में छाई हुई है। तो आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से कि आखिर मामला है क्या। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, मैं आपको थंबनेल में भी बता चुका हूं कि जो आज की ये खबर है वो सैनिकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जनसत्ता की तरफ से प्रकाशित सेना में फंड की कमी, टीएडीए बिल पास पर स्थायी रोक। हिंदुस्तान की तरफ से, फंड की कमी के कारण मोदी सरकार ने रोका सेना को मिलने वाला भत्ता। अभिसार ने व्यंग कसते हुए रक्षा मंत्री से पूछा, हाउ इज द जूस। डेली हंट न्यूज की हेडलाइन, फंड की कमी के कारण रोके गए सेना के जवानों के भत्ते। और रक्षक न्यूज नेटवर्क की तरफ से, सेना के जवानों के भत्ते रोकने की अधिसूचना को वेबसाइट से हटाया गया। दोस्तों, इस तरह की तमाम खबरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। जी हां दोस्तों, पीसीडीए का कहना है कि अधिकारियों, जेसीओ यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर और जवानों के टीए और डीए के खर्चों के लिए प्रतिवर्ष 4000 करोड़ रुपए का खर्च आता है, लेकिन पीसीडीए को दिए गए सिर्फ 3200 करोड़ रुपए, जो कि चालू वर्ष में समाप्त हो गए हैं। इस तरह विभिन्न अखबारों में छपी रिपोर्टों के अनुसार सेना के पास अपने जवानों को भत्ते देने के भी पैसे नहीं है। रिपोर्ट की माने तो भारतीय सेना के पास फंड की भारी कमी के चलते उसने अपने अफसरों को टूर और ट्रेनिंग पे दिए जाने वाले भत्तों पर रोक लगा दी गई है। भत्तों पर रोक लगने की जानकारी अकाउंट्स डिवीजन द्वारा ही वेबसाइट पर दी गई थी। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि वेबसाइट पर जारी किए गए इस तरह के पोस्ट से सेना की खराब छवि को दर्शाया है। प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पीसीडीए के पोस्ट में कहा गया था कि फंड्स की कमी के कारण ट्रेवलिंग अलाउंस तथा डीएनएस अलाउंस नहीं दिए जाएंगे, जब फंड आएंगे तब भत्ते दिए जाएंगे, हालांकि लीव ट्रेवलिंग कंसेशन की सुविधा जारी रखी जाएगी। इस तरह की खबर आने से सेना में खासी नाराजगी बढ़ गई है, जिसमें करीब 4200 अधिकारियों के अलावा 12 लाख जवान तैनात हैं। मामले में एक सैन्य अधिकारी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ये संभावित रूप से सेना के दिन प्रतिदिन के कामकाज को प्रभावित कर सकता है। ताजा खबर के मुताबिक सशस्त्र बलों के हंगामे के बाद इस अधिसूचना को वेबसाइट से हटा दिया गया है। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अब क्या डिसीजन लेती हैं। लोग तो पूछेंगे ही, मित्रों क्या यही अच्छे दिन हैं? तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।